दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोगों के सामने एक बार फिर। दोस्तों मैं इस ज्योतिष की कड़ी के अंदर ब्रज फ्यूचर पॉइंट हमारा अपना चैनल है उसके आधार पे लोशो ग्रिड में मैं बहुत कुछ बताने की इच्छा रखता हूँ और आप लोग देख भी रहे हैं। दोस्तों यदि आपको आज मेरा वीडियो बनाने का थीम बिल्कुल अलग है, ये हमारे एक मित्र थे कल उनकी कुंडली आई, उनकी कुंडली का जो था डिटेल थी डेट ऑफ बर्थ थी 22/3/1917। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ यदि आपके पास 77 है तो आप ज्योतिषी बन सकते हैं। आपकी कुंडली के अंदर 7 का योग का होना अनिवार्य है। समय का थोड़ा अभाव होता है लेकिन मैं वीडियो एक बना के आपको इस तरह से बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप वीडियो बना के अपने आप अपने घर पे अपनी कुंडली को देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप मेरे लोशो ग्रिड सीखना चाहते हैं तो मेरी फीस मात्र 11,000 रुपए है और अगर कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो फीस मात्र 1500 रुपए है। ईश्वर की कृपा से मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में घटना घटने वाली है। दोस्तों कुंडली से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, कुछ लोग कहते हैं जो भगवान ने निर्धारित कर दिया वो तो होना ही है। अब मैं कुंडली के विषय में बताना चाहता हूँ। लोशो ग्रिड देखिए दोस्तों, मेरा थोड़ा फास्ट काम करने का तरीका है, पसंद है तो आओ, नहीं आए तो मत आओ। मैं बहुत स्पष्ट नहीं चाहता हूँ, जो जितने भी व्यक्ति संसार में कड़वे हैं वो दिल के उतने ही साफ हैं और जो मुंह पे मीठा बोलते हैं वो अंदर से उतने ही कड़वे होते हैं। सोचते हैं ये कब मरे। दोस्तों किसी का बुरा साल नहीं थे, कभी कोई मरता नहीं और ना कभी किसी का बुरा होता, होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। 4/9/2/3/5/7/8/1/6 दोस्तों मैं लोशो ग्रिड के द्वारा डेट और बर्थ के द्वारा ही आपको वैदिक में सिखाने का प्रयास करता हूँ और मैं आपको वास्तु में सिखाता हूँ। साउथ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ नॉर्थ, साउथ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये बनता है। इनका मूल्यांक क्या निकल के आता है, मूल्यांक 4 और भाग्यांक 4। 4-4 राहु, डबल राहु। राहु क्या है, धुएं में से धुएं को झांकने की क्षमता रखना। राहु बहुत शार्प माइंड का व्यक्ति होता है और वो उसे का कोई जल्दी से बेवकूफ नहीं बना सकता। गुस्से का पूरा वो लबालब भर होता है और उसके साथ साथ वो विदेशों की यात्रा भी करता है। 4 नंबर विदेश से संबंध, राहु को विदेश यात्रा भी करवाता है। इन सज्जन के पास 4 और 77 है, ऐसा व्यक्ति विदेश में सेटल भी हो जाता है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। मूल्यांक 4 राहु, शुभ तारीखें 4/13/22/31, शुभ दिन रविवार, शुभ रंग काला भूरा, अशुभ रंग हल्का नीला, मित्र अंक 1, 2, 7, शत्रु अंक 3 और 4, सम अंक 6, 8, 5, शुभ वर्ष 2022/29/38/47। मैंने पूछा इनसे तो इन्होंने कहा कि मैं 2020 में मैंने बहुत काम किया, बहुत अच्छा पैसा कमाया और अनुकूल देवता गणेश जी और शुभ रतन गोमेद। अब मैंने इनकी ये तो मैंने देखो ये इनपे मूल्यांक से बात सब लगा। जब हमने इनकी कुंडली बनाई तो इनकी कुंडली में हमने क्या देखा, 4/4/2/3/1/9/7। अब मैं क्या देख रहा हूं, 4/4/4, ऐसा व्यक्ति दिमाग का बहुत ही तेज होगा। ये लाइन आती है मानसिक तीर मजबूत, ऐसा व्यक्ति दिमाग का बहुत तेज होगा। दोस्तों विधा को तो कोई भी सिखाता है लेकिन कुंडली बना के सिखाना ये एक अलग कार्य होता है। अगर आप लोग के पास भी कोई विचित्र कुंडली हो, डिवोर्स की हो या शादी ना हुई हो या डिसेबल हो तो मुझे वो वीडियो भेजें, मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों को पेश करूंगा। यदि किसी को अपनी वीडियो बनवानी है तो भी वो मुझे बताए, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अब मैंने क्या देखा, 3/7/1 देखिए दोस्तों, ये जो नंबर होते हैं आप समझिए, 1 नंबर सूर्य का, 3 नंबर गुरु का, 9 नंबर मंगल का, 7 नंबर केतु का। हम इसे कहते हैं राजा, इसे कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, इसे कहते हैं रक्षा मंत्री और इसे कहते हैं गृह मंत्री। आप इसका मतलब समझिए, ये 3 नंबर हमारे विदेशों की व्यवस्थाओं की व्यवस्था करता है, 9 नंबर सेना की सुरक्षा करता है, देश की सुरक्षा करता है, सीमाओं की बागडोर की व्यवस्था करता है, 7 नंबर रिसर्चिंग का नेचर होता है, खोज का, किसी व्यवस्था को सही ढंग से बनाने की व्यवस्था करते हैं। अब इनके पास 5 नंबर नहीं है, अगर किसी व्यक्ति के पास 5 नंबर नहीं है
और आठ नंबर नहीं है और छह नंबर है, तो इनके साथ क्या होगा? ऐसा व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा, ऐसा व्यक्ति का पेट खराब रहेगा, ऐसा व्यक्ति का ऑपरेशन भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति नस नाड़ियों की समस्या होगी, किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं होगा, और छह नंबर ना होने से उनका पारिवारिक रिश्ता अच्छा नहीं होगा, उनके पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहेगा। पांच और छह नंबर पति पत्नी का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से विशेष प्रेम करता है, लेकिन पत्नी ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं करती। अब प्रेशर बात आई आठ नंबर की, ऐसे व्यक्ति में ईगो होगी, पसीना नहीं बहेगा, शनि के सारे लक्षण, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी, नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी और ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम होगी। जब हमने इनकी कुंडली देखी और हमने पूछा उनसे कि आपकी पत्नी के साथ कैसे संबंध है, तब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे संबंध है। हमारा दिमाग चक्कर खा गया कि ऐसा क्यों, क्योंकि इनके तो संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए। जब हमने क्या देखा, जब हमने उनसे बात करी, तो मैंने कहा आप क्या कोई रेमेडी करते हैं? कहने की कोई रेमेडी नहीं करता। देखिए वो रेमेडी भी नहीं करते, घर में विवाद भी नहीं है। मैंने कहा पेट खराब है, कहीं कभी हुआ था ठीक है। मैंने कहा चलो इसी, मैंने कहा आप में ईगो है, पसीना नहीं बहाते क्या? कहते नहीं, मैं बहुत काम करता हूँ, बहुत पसीना बहाता हूँ, ईगो नहीं, सबको साथ लेकर चलता हूँ। हम चक्कर खा गए, हमने कुंडली बनाई, हमने देखा कहाँ गलती है, कैसे है। फिर हमने थोड़ी सी हम अपना दिमाग को शांत किया, हमने बैठे और फिर हमने उनसे पूछा सर आपका क्या। जब उन्होंने बताया कि मेरे पे गौशाला है और मेरे पास 100 गौ हैं और गांव से गाय का मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता, गांव के गाय के गोबर से मैं सामान बनाता हूं और सामान को बेचता हूं और मैं विस्तार करता हूं। हमारे दिमाग में एकदम से बात आ गई, क्योंकि छह नंबर शुक्र का, शुक्र के लिए गाय के हम उपाय बताते हैं, रेमेडी बताते हैं, गाय की सेवा करो, और वो सारा दिन गाय की सेवा करने में लगाते हैं, तो यहाँ छह नंबर की रेमेडी पूरी हो गई। फिर हमने पूछा, मैं कह ये गाय क्या क्या हमने बाग बना रखा है, खेत है हमारे, वहां से न्याय लाता हूँ, तो यहाँ से पांच नंबर बुध की रेमेडी हो गई, हरा चारा खिलाना प्रतिदिन। फिर हमने पूछा आठ नंबर, प्रतिदिन मेहनत करते हैं जानवरों के साथ, पसीना बहता है, तो यहाँ पे आठ नंबर की रेमेडी हो गई। देखो ईश्वर ने जो व्यवस्था बना रखी है, जिसके लिए जिसने जो भला करना है तो भला करेगा, वो सारी व्यवस्था उसकी हो जाएगी। इसलिए हमें डर के नहीं रहना चाहिए, अपने कर्म को करना चाहिए। जब मैंने उनसे बात करी, मैं कहा तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, जब उनका मोबाइल नंबर पूछा, उनका टूट चार है, उनका मूल्यांक विचार, जिसका मूल्यांक और भाग्यांक जो नंबर होते हैं वो ही उनके आगे आगे चलते हैं। उनका मकान का नंबर चार आएगा, गाड़ी का नंबर चार आएगा, मोबाइल का नंबर चार आएगा, किसी होटल में जाएंगे वहां चार नंबर रहेगा, चार नंबर उनके आगे आगे मिलता जाएगा। तो दोस्तों बात लंबी हो जाती है, कितनी भी लंबी हो जाती है, तो मैं आज इस वीडियो को तो मैं यहीं खत्म करना चाहता हूं। फिर मैंने एक उनसे वैदिक से देखी, उनका वृश्चिक लग्न मंगल चौथे स्थान पे, शुक्र चंद्रमा केतु इनकी मेष राशि बैठी। मैंने पूछा क्या आपके दिमाग में कोई तड़फन रहती है? कह रहे बिल्कुल रहती है, मैं परेशान रहता हूं हमेशा। जब चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाएगा और शनि तो हमेशा वो व्यक्ति तड़फन में रहेगा। मैंने पूछा और मैंने ये पूछा कि आपने कहीं कोई लव मैरिज, आपका प्रेम हुआ था कोई अपने अपने उम्र में? तो उन्होंने ये भी माना कि ऐसा हुआ। तो राहु बारहवें स्थान पे बैठने पे राहु खराब हो जाता है, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं, शुक्र का काम कर रहे हैं, शुक्राचार्य काम कर रहे हैं, गांवों की सेवा कर रहे हैं, उनको यहाँ परेशान होना चाहिए था। 2021 से उनकी राहु की महादशा लगी, तो जब राहु की महादशा लगी, राहु की महादशा उन्हें फल फूल रही है। तो दोस्तों व्यवस्था कभी भी उल्टी हो सकती है, अपने कर्म पे ध्यान दो, अगर आप कर्म पे ध्यान देंगे तो आपकी व्यवस्था भी सही हो जाएगी। मंगल का यहाँ से वो प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं, मकान बना के बेचना, मंगल यहाँ पे बैठा है। तो मैंने कहा क्या आपको इसमें फायदा हुआ? कि नहीं। तो हमने देखा आठ नंबर ना होने से व्यक्ति प्रॉपर्टी का काम नहीं कर पाता, और डबल टू होने से मैंने उन्हें कहा कि आप सेकंड या थर्ड फ्लोर पे रहते हो, तो उन्होंने कहा मैं थर्ड फ्लोर पे रहता हूं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो मैं कहने का मतलब है आठ नंबर मिस होने से व्यक्ति मकान नहीं बना पाया, लेकिन मकान इसलिए बन गया क्योंकि वो मेहनती है, शनि के रेमेडी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको उपाय जरूर करने चाहिए, ये अदरवाइज में नहीं लेना चाहिए, भगवान जो करेगा वो अच्छा करेगा, ये शब्दों को बोल के अपने छोटी मानसिकता को नहीं दिखाना चाहिए। भगवान में विश्वास करो और कर्म में आस्था रखो, आपका जीवन सफल होगा। दोस्तों इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों में विराम लगाना चाहता हूँ।
मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है 1500 पे लेता हूं, उसके अंदर मैं 300 पेज की भाग्य दर्पण नामे की कुंडली आपको दूंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा। नंबर मेरा एक हफ्ते में आता है, पैसे आज जमा करवाएंगे तो एक हफ्ते में नंबर आएगा। और अगर आपको सीखना है तो आज से मेरा कोर्स भी चालू हो रहा है ग्लोव शेड्यूल का, तो मैं इन शब्दों के साथ विराम लगाता हूं। और आपको अच्छा लगे तो कोई इनबॉक्स में लिखिए और मेरी वीडियो को देखिए। नमस्कार।